रानी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्न उत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, 5 अप्रैल को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए राष्ट्रीय मानवता दिवस, बी राष्ट्रीय हिंदी दिवस, सी राष्ट्रीय पशु दिवस या डी राष्ट्रीय समुद्री दिवस। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। बोले केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, बंगाल सहित कई राज्यों में बीजेपी और उसके गठबंधन की बनेगी सरकार। निजी कार्यक्रम में शामिल होने भागलपुर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आम लोगों से वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। भागलपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि भागलपुर में बन रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का अगस्त महीने तक हो जाएगा। साथ ही बंगाल असम सहित कई राज्यों में हो रहे चुनाव में भाजपा गठबंधन की सरकार बनाए जाने का दावा करते हुए अश्विनी चौबे ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी का जादू नहीं चलने वाला है। विशेष करके पूरे भारत में पहली बार हमने वर्चुअल माध्यम से आज हम जुड़े थे। लंबे काल तक अभी कॉन्फ्रेंस भी हमारा चल रहा है, बीच में मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा ब्रेक लिया है। ऑल इंडिया हमारा आज लॉन्चिंग हो रहा है, विशेष करके जो इंटीग्रेशन हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म था IHIP। डॉक्टर हर्षवर्धन जी और हम कुछ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं, सभी राज्यों के सचिव ये सारे जुड़े हुए हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात है, एक दुनिया में हम कैसे इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यानी एकीकृत रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत IDI पांच राज्यों में चल रहा है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बहुत ही पश्चिम बंगाल के मैं स्वयं वहाँ से होकर आया, आसाम से भी होकर आया। आसाम में भी हमारी सरकार बनने जा रही है फिर से दोबारा, इसमें कई लोगों थे। और पश्चिम बंगाल में हम काफ़ी तृणमूल कांग्रेस से आज आगे बढ़ चुके हैं और वहाँ की जनता ने मूड बना लिया है, जो वोटिंग का वहाँ पर पैटर्न है वो तो ममता जी का पैर खिसक चुका है, वो हाई कोवा कर रही है, वो अल्लाह खुदा बिस्मिल्लाह से लेके भगवान का नाम जप रही है। इस तरह से उन्होंने मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में इस बार परिवर्तन का जो मूड है लोगों में, निश्चित परिवर्तन होगा और हम बड़े थम्पर में जिससे वहाँ जीतने जा रहे हैं। केरल, पंजाब, इस प्रकार के कई राज्यों में कोविड की महामारी बढ़ी है और मुझे लग रहा है कि मुझे टारगेट निकाल के क्यों देते हो, आए क्यों दे रहे हो। तो मैं कह रहा था कि कई राज्यों में दूसरे चपेट में और तीसरे चपेट में कोविड जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र में, केरल के अंदर आपको, पंजाब में भी और राजस्थान में कुछ हद तक, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में और हर एक राज्य में बढ़ रहा है। आप कर लीजिए, आप कर लीजिए।
कोरोना महामारी के दूसरे खतरनाक स्ट्रेन के बाद यमराज का पृथ्वी लोक में भागलपुर आगमन। कहा, वैक्सीन लो, मास्क लगाओ, नरक लोक में अब जगह नहीं। आखिरकार सांकेतिक ही सही, पृथ्वी लोक पर भागलपुर में यमराज का आगमन हुआ। यमराज के पधारने के साथ ही हलचल सी मच गई। खुद यमराज और उनके साथ चित्रगुप्त भी थे। भागलपुर के कचहरी चौक पर कोरोना से बचाव हेतु मास्क और वैक्सीन लगाने के लिए हड़काने लगे। उसी कड़ी में जब सांकेतिक रूप में एक चचरी पर लाश को ले जाया जा रहा था तो यमराज ने रोका और कहा कि अभी इसकी मृत्यु का वक्त नहीं आया, नरक लोक में जगह की कमी हो रही है। प्रतिवासियों से यमराज ने ये भी कहा। उसी बीच भागलपुर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर लौट रहे थे तो उन लोगों की साक्षात मुलाकात यमराज से हो गई। दो दिन पहले यमराज को चिट्ठी लिखकर उनके पते पर भेजने की बात हो रही थी। संयोग से मुलाकात हुई तो यमराज को पृथ्वी लोक के भागलपुर वासियों ने अपना दर्द सुनाया, शमशान घाट की व्यवस्था और मृत शरीर के साथ प्रताड़ना की बात बताई। पूरे घटनाक्रम को नाटकीय अंदाज में पेश किया गया। खास मौके पर प्रोफेसर आनंद मिश्र, सोनू घोष, विनय सिन्हा, कन्हैया लाल समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप भी देखें, कोरोना महामारी के दूसरे स्ट्रेन में यमराज सबसे पहले भागलपुर पहुंचे हैं। जी महाराज, क्या है ये पृथ्वी लोक से? ये पृथ्वी लोक से चिट्ठी आए हुए हैं महाराज। जब सब आ गए बरारी श्मशान घाट के दाह संस्कार के लिए 25,000 रुपया अनिवार्य रूप से होने पर। राजपांडे घाट पर किसी से छुपा नहीं है, आपके परिवार के लोग भी जाते हैं, आप भी जाते हैं। स्पष्ट रूप से जो वहाँ के राजा का लाते हैं, जिनको जिसे हम लोग अग्नि लेते हैं, जो हमारी धर्म के अनुसार से जो मजबूरियाँ हैं, उस मजबूरिया का लिहाज फायदा भी उठाया जाता है। क्या बोले जिलाधिकारी? क्या बोले जिलाधिकारी ने कहा, हम लोगों ने कहा है कि सर ये बातें पहले भी कई बार उठी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की यह जिम्मेवारी बनती है, नगर निगम के जो हमारे अधिकारी हैं हम उनके साथ बात करते हैं। हमारे आनंद भैया ने कहा भी कि आप सर जो एक शिष्टमंडल है उनके साथ, नगर निगम के अधिकारी के साथ बैठिए, तभी कोई जो है समस्या का समाधान हो सकता है। ऐसे बात तो पहले से भी चल रहा है, बरसों से यह बातें हो रही है, लेकिन इस बार यह बात दबेगा नहीं। जब तक बिना पैसा का दाह संस्कार नहीं होगा, तब तक हम बुद्धिजीवी लोग, हम समाज के लोग, हम शांति समिति के लोग इसके लिए लगे रहेंगे। अभय कुमार घोष, सुनो, हमारे गांव की जनता जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिनका उम्र हो गया है 65-70 वर्ष, वो इस चिंता में रहते हैं कि हमारा बेटा जैसे गंगा ले जेतो कि नए पोखरी में जलाए, तो ये चिंता बहुत सताता है। हम लोग गांव घर से जुड़े हुए हैं और इसीलिए इसको हम लोग समझते हैं कि ये चिंता उनका हम लोगों को दूर करना है कि उनको गंगा, एक गंगा के किनारे रहने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और ऐसे में यदि उसको पोखर में जला दिया जाता है, बगल में कहीं दफना दिया जाता है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसीलिए इस मुहिम को हम लोग कह रहे हैं कि वहाँ जो भी एक्सटॉर्शन होता है, एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है, उसको बंद करने का कोशिश करें। परेशानी वहाँ का राजा जो जीने नहीं देता है और मरने के बाद भी महाराज इसका। ये बातें हैं, ठीक है, इस पे हम विचार करते हैं और फिर हम जम्बाल जी को बुलाएंगे और फिर उनसे वार्तालाप करेंगे, फिर देखा जाएगा कि आगे क्या क्या होनी है। नवगछिया के मेहदतपुर की तीन छात्राओं का मैट्रिक परिणाम में शानदार प्रदर्शन, बिहार का 10वां और भागलपुर का 3रा टॉपर बनी अर्पण सिंह। नवगछिया अनुमंडल के मेहदतपुर की तीन छात्राओं का मैट्रिक परीक्षा परिणाम में शानदार प्रदर्शन रहा। भागलपुर जिले की 3री व बिहार के 10वीं टॉपर अर्पण सिंह बनी है, जिसे कुल प्राप्तांक 475 आए। वहीं उसकी सगी बहन पल्लवी प्रिया को 473 अंक आए हैं। दोनों के पिता संजय प्रसाद सिंह काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं इसी गांव की 3री छात्रा मुस्कान कुमारी, पिता रंजीत यादव ने कुल 471 अंक लाकर नवगछिया अनुमंडल का नाम रोशन किया। टॉपर अर्पण सिंह ने बताया कि उन्होंने परीक्षा के लिए काफी मेहनत की। उन्होंने अपने परिणाम का श्रेय अपने माता पिता, परिवार के लोग और अपने विद्यालय कोचिंग को दिया है। उन्होंने बताया कि अपनी मेहनत और लगन से छात्र छात्राएं किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपनी तैयारी को रूटीन बनाकर किया, जिसका परिणाम बेहतर रहा।
मौके पर मेहदतपुर के 10+2 एडिफिकेशन क्लासेस के निर्देशक रिचि रिचर्सन प्रभाकर और प्रधानाध्यापक शुभम कुमार ने बताया कि तीनों छात्राएं बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज हैं। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी छात्राओं की पढ़ाई और जांच परीक्षा ली जाती थी और उनके कोचिंग की ये विशेषता रही है कि अगर छात्र छात्राएं कोचिंग नहीं भी आकर पढ़ती हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से उन्हें सभी तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है, जिसके कारण छात्र छात्राएं बेहतर परिणाम करते हैं। बताते चले कि इस बाबत अर्पण और पल्लवी प्रिया के पिता संजय प्रसाद सिंह ने कहा कि वो अपने परिवार में पढ़ाई को सब कुछ मानते हैं। अपनी पुत्री के परिणाम से वो काफी संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 2020 में भी उनकी बड़ी पुत्री ने बेहतर प्रदर्शन किया था। उनके परिवार में बच्चियों का बेहतर प्रदर्शन रहता है, जिससे आसपास के लोग और गाँव के लोग काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं। मौके पर संजय सिंह, रंजीत यादव, रिचि रिचर्सन प्रभाकर, शुभम कुमार, शिक्षक चंद्रशेखर सिंह, नवीन सिंह, गौरव कुमार, पंकज कुमार, जितेंद्र कुमार, पुलकित सिंह, फुदन प्रसाद सिंह सहित कई अन्य उपस्थित थे। मेरा नाम अर्पण सिंह है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा टॉप 10 में नाम आया है। मेरा घर मददपुर है। मेरे पापा का नाम संजय सिंह और माता का नाम चंदा देवी है। मैं मददपुर की बेटी हूँ। मेरा घर नवगछिया मददपुर है। आप किस स्कूल की छात्रा हैं? मैं ओबीसी गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। आपका कैसा लग रहा है? आपको स्टेट टॉपर के लिस्ट में आपका नाम है, कैसा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद थी कि मैं टॉप 5 में आऊँगी, 5वें स्थान पर आऊँगी, लेकिन मेरा 10वां स्थान है और ज़िले में 3रा स्थान है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आप इसको किसको देना चाहेंगे इसका श्रेय? इसका श्रेय मैं अपने स्कूल के टीचर और कोचिंग के शिक्षक को देना चाहूंगी। उन्होंने मुझे पढ़ाया, कोरोना काल में भी उन्होंने मुझे पढ़ाया। मैं घर पर रहकर पढ़ी, उसका परिणाम ये आज 475 अंक मेरा आया। 475 अंक है आपको? यस सर। मतलब आपका आगे का क्या सपना है, आप क्या करना चाहती हैं? मैं आगे इंजीनियर बनना चाहती हूँ। इंजीनियर बन के मैं अपने पापा का, मम्मी का और गांव का नाम रोशन करूंगी। मेरा नाम पल्लवी प्रिया है। ये बहुत खुशी की बात है कि मेरी अपनी सगी बहन 10 टॉप में आई है और ये बहुत ही गर्व की बात है कि मेरे माँ पापा ने मेरी चारों बहन को पढ़ाया है। और यह बहुत खुशी की बात है कि उससे मेरा 2 नंबर कम आया है, जिसके कारण मैं 10 टॉप में नहीं आ सकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पल्लवी प्रिया है। पल्लवी, कितना मार्क्स है आपको? 473। आप भी उसी स्कूल से हैं? यस। क्या नाम हुआ स्कूल का आपका? ओबीसी गर्ल्स हाई स्कूल भागलपुर। क्या बनना? मेरा सपना इंजीनियर बनने का है और मैं इंजीनियर बन के गाँव, पंचायत और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है और जो है मेरे 2 बच्ची जो है इस साल परीक्षा दी थी मैट्रिक का, लेकिन दोनों को जो है वेरिफिकेशन के लिए ले गए थे पटना और वहाँ पर इंटरव्यू दोनों दी है, लेकिन संजोग की बात है कि 2 नंबर जो है पल्लवी प्रिया को कम आई, इसलिए वो टॉप 10 से मतलब कि बाहर हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं है, आगे मेहनत करेंगे तो आगे जो है सफल होंगे। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। मेरे पापा का नाम रंजीत यादव है। मेरी मम्मी का नाम रीना कुमारी है। मैं क्लास 10th की लड़की हूँ और मैंने कुल अंक 471 नंबर लाया है। मैं बिहार बोर्ड के टॉपर लिस्ट में नहीं आई, लेकिन मैं इंटर में अच्छा प्रदर्शन करूंगी। मैं नवगछिया की रहने वाली हूं। मेरा नाम रिचि रिचर्सन प्रभाकर हुआ। मैं अपने गांव में ही एडिफिकेशन क्लासेस मददपुर के नाम से कोचिंग संस्थान चला रहा हूं। मेरे संस्थान से इस बार मैट्रिक के जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए सभी अच्छे रहे। उनमें से अर्पण सिंह 10 टॉप में बिहार में आए और ज़िले में उनका 3रा स्थान रहा। उन्हीं की एक छोटी बहन पल्लवी प्रिया 473 अंक लाए और उनसे उन्हीं के साथ में जो एक मुस्कान नाम की लड़की पढ़ रही थी वो 471 अंक लाए। हमें इस बात से बहुत खुशी है कि हमारे संस्थान से इतनी बच्चियां एक साथ बेहतर परफॉर्मेंस करके राज्य में स्थान लाए और ज़िले में भी अपना नाम रोशन के लिए। इनके लिए हम इनके परिवार को और सभी को धन्यवाद देते हैं।
सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया में एसपी की अपराध गोष्ठी संपन्न, बोले एसपी पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराना पहली प्राथमिकता। नवगछिया एसपी के मासिक क्राइम मीट में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर खास रूप से चर्चा की गई, जिसमें शराब और शराबियों पर खास नजर रखते हुए क्षेत्र में पूर्णतः शराबबंदी को लागू करने का निर्देश नवगछिया के एसपी ने सभी थानाध्यक्षों को दिया। एसपी ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर विशेष निगरानी और ध्यान रखने को कहा गया है। स्पीडी ट्रायल चलाकर मामलों का निष्पादन करने का भी दिशा निर्देश दिया गया। अपराध गोष्ठी में लंबित मामलों का निष्पादन और विभिन्न कांडों में फरार चल रहे अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी करने का निर्देश एसपी ने दिया। बैठक में विभिन्न थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में फरार अपराधियों की सूची बनाने, जेल से बाहर निकले अपराधियों पर विशेष नजर रखने का भी दिशा निर्देश दिया। वही धारा 110 109 के तहत कार्रवाई करने की बात भी कही। एसपी ने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सभी थाना प्रभारी को अपने अपने क्षेत्र में नियमित मासिक चेकिंग अभियान चलाने को कहा गया। विक्रमशिला सेतु पर जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जानवी चौक पिकेट पर तैनात चार सिपाही संजय पाल, राजेश पाल, चंदन कुमार और अजीत कुमार को एसपी ने सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसमें किस तरह से दिशा निर्देश दिया गया सर? देखिए, हम लोग नियमित रूप से हर माह ये अपराध गोष्ठी करते हैं। इसमें बीते माह जो अपराध घटित हुए उसका उद्भेदन हुआ या उसमें क्या प्रगति हुई उस पर चर्चा हम लोग करते हैं। गिरफ्तारी चर्चा करते हैं, कांड का डिस्पोजल चर्चा करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कि सीसीए का प्रस्ताव सबमिट करते हैं, डोसियर खोलते हैं, जो भी अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई करनी हो और जहाँ भी लोक शांति बनी रहे उससे बहुत चर्चा हम लोग करते हैं। अभी पंचायत चुनाव भी आसन निकट है हम लोग का, उस पर बात करेंगे, बात कर भी दें। पंचायत चुनाव के लिए किस तरह की तैयारी की गई है सर? देखिए, वो जो प्रत्येक चुनाव हम लोग करते हैं कि जो अभी से हम लोग 107 का शुरू कर दिया है, जो भी ऐसे तत्व हैं जो चुनाव के दरमियान अशांति फैला सकते हैं तो उसमें अभी से कार्य शुरू कर दिया। 107 का, 110 का, 109 का है, 116 में मॉनिटर करना पड़ता है। उसके अलावा हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और अच्छी खासी उपलब्धि हमें मिल रही है। शराब के मामले में अवैध शराब जहाँ भी है गिरफ्तारियाँ हो रही, बरामदगी भी हो रही है और उसमें भी काफ़ी बरामद हुआ है। तो शांतिपूर्ण संपन्न शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हम सभी से प्रयास करके रहे। विशेष तौर पे कौन का निष्पादन के लिए वो क्या देखिए, ये निर्देश दिया गया है कि सभी थाना प्रभारी अपने अपने थानों में जितना कांड रिपोर्ट हुआ है उसका 1.5 गुना उन्हें निष्पादन करना है। जो इसका निष्पादन नहीं करेंगे उसके आईओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसमें से थाना प्रभारी नहीं बच सकते, उनकी जवाबदेही है कि कांड का निष्पादन करवाए। तो फरार अपराधी है मोस्ट वांटेड, उसके लिए किस तरह से? उन्होंने टारगेट दिया है, उन्होंने वो सूची बनाई है टॉप 10 का या जो फरार है या फिर कांड में जो वांछित है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग पिछले महीने मार्च में हत्या के शीर्ष में या हत्या के प्रयास के शीर्ष में अच्छा खासा गिरफ्तारी हम लोगों ने किया है और बहुत सारा लगातार छापामारी की जा रही है। पुलिस के डर से कई अपराधी कोर्ट सरेंडर भी किया है, वो महत्वपूर्ण उपलब्धि है पुलिस की। तो सीसीए का कितना प्रस्ताव गया? सीसीए 12 का प्रस्ताव एक आने वाला है, आज ही है ना, समय में हो जाएगा, प्राप्त होने वाला है तैयारी हो गई है। और CCA 3 में एग्जैक्ट फिर में याद नहीं आ रहा है, 21 या 22 का सबमिट किया है, 21 या 22 या उससे अधिक 28 सबमिट किया है। सर, कोरोना रिटर्न हो रहा है, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने देखा कल हमारे SDPO और SDO साहब ने कहा था कि हम बाज़ार में जाएँ और लोगों से जो भी इसका उल्लंघन करते हैं उस पर फाइन होनी चाहिए और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए, माइकिंग लगातार की जा रही है ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी गाइडलाइंस है उसका अनुपालन करें और जो भी इसका अनुपालन नहीं करेंगे उसके कानून कार्रवाई भी कर रहे हैं। हम लोग ये भी योजना है कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी गाड़ी वाले हैं वो 50% भीड़ चलाएँ, अपने खुद मास्क पहने, बिना मास्क लगाए पब्लिक को ना चढ़ने दें, सैनिटाइजर रखें और जो इसका उल्लंघन करेंगे यही चीज़ दुकान में भी लागू होगा
जो दुकानदार है अपना वो गेट के पास सैनिटाइजर रखेगा, खुद आपका स्टाफ मास्क पहनेगा, और जो ग्राहक है जो बगैर मास्क का अंदर आने नहीं देगा, और जो दुकानदार इसका उल्लंघन करते हैं वो कार्रवाई की जाएगी। खगड़ा का अविनाश बना नवगछिया टॉपर। नवगछिया के खगड़ा गांव निवासी पंडित शंभुनाथ वैदिक और लता देवी का पुत्र अविनाश कुमार ने मैट्रिक की परीक्षा में 473 अंक लाकर नवगछिया अनुमंडल 5 जिला टॉपर्स में अपना स्थान बनाकर नवगछिया का नाम रोशन किया। नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न विद्यालयों के परीक्षा परिणाम में अविनाश कुमार अव्वल आया है। मैट्रिक परीक्षा में अच्छा रिजल्ट आने पर अविनाश और उसके अभिभावक बेहद खुश हैं। अविनाश ने कहा कि उसका लक्ष्य UPSC की परीक्षा को पास कर IAS बनने का है। इसके लिए उसने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मालूम हो कि अविनाश के पिता शंभुनाथ वैदिक इलाके के जाने माने पंडित और संस्कृत के शिक्षक हैं। अविनाश के अच्छे नंबरों से पास होने पर उसके चचेरे भाई पंडित अश्विनी कुमार ने कहा कि अविनाश में सिर्फ गांव परिवार का ही नहीं बल्कि नवगछिया का नाम रोशन किया है। अविनाश पुलिस उन लोगों को काफी उम्मीद है। मेरा नाम अविनाश कुमार है, मेरा घर खगड़ा है और मुझे मैट्रिक में 473 अंक 500 में से प्राप्त हुए हैं। मेरा विद्यालय मैं साहू उच्च विद्यालय साहूपुरता का विद्यार्थी हूँ और मुझे गणित में 100 में 100 पूर्ण अंक प्राप्त हुए। आपने किस तरह तैयारी की और इसका श्रेय किसे देंगे? मेरी तैयारी बहुत ही, आप जानते हैं कोरोना के कारण पूरा पढ़ाई ठप था, ना ऑनलाइन क्लास होता था ना कुछ होता था, टीवी में उतना अच्छा से नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए हम अकेले में पढ़ते थे, एकांत में रहते थे और हमें लॉकडाउन में घर के सभी सदस्यों द्वारा सपोर्ट मिला और हम अकेले भी पढ़ते थे और सभी का मदद मिला और हमारे गांव के कुछ भैया सर ने भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया और बहुत ज़्यादा मदद किया, जो मेरे इस रैंक को या इस नंबर को लाने के लिए बहुत ज़्यादा उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। माया, कोरोना काल के बीच परीक्षा हुई, मुझे ये उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा आएगा, क्योंकि कोरोना काल के बीच परीक्षा हुई और उसमें पढ़ाई लिखाई हुई नहीं थी, तो परीक्षा से पहले हम बहुत नर्वस थे, सोच रहे थे कि कैसा जाएगा, क्या रिजल्ट आएगा, हम अपने परिवार के आशंकाओं पे खड़े हो पाएंगे कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आया और हम अच्छा कर सकते थे, थोड़ा और मेहनत कर सकते थे, लेकिन अब ये मेहनत हम अभी रोकेंगे नहीं, इसको और जारी रखेंगे, आगे और अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत बढ़िया नंबर लाएंगे और बिहार टॉप में हम। आपका सपना क्या है, आप क्या सपना है आपका? मेरा सपना है कि हम आगे बहुत बहुत अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं और कोई रिस्पेक्टेड जॉब लेना चाहते हैं। मैं अविनाश की मम्मी और मुझे बहुत खुशी है इसके इस रिजल्ट से और आगे उम्मीद करती हूँ कि और भी अच्छा करेगा और ये पढ़ता था अच्छे से और आगे भी अच्छे से ही पढ़ेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं अर्चना आर्या, अविनाश की बड़ी बहन। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इसका ये प्राप्तांक आया है मैट्रिक में और इसकी पढ़ाई लगन देख के मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मेरा भाई जिला में टॉप पर आया है और बहुत मेहनत किया, लेकिन मुझे इस लॉकडाउन में जो पिछले साल हुई तो मुझे बहुत ये लग रहा था, डर लग रहा था कैसे करेगा, क्या करेगा, कैसे इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि बहुत परेशानी हुई, बहुत को परेशानी हुई पढ़ने में, मुझे भी हुई कैसे करूँगी, लेकिन मैं इसके साथ बैठती थी, मेरे साथ पढ़ता था, अच्छा पढ़ा और मेहनत बहुत किया, जो रिजल्ट आया हम उससे बहुत खुश हैं। आगे इसके लिए शुभकामनाएँ देते हैं, इंटर के रिजल्ट में ये और अच्छा प्राप्तांक लाए। मेरा नाम पंडित अश्विनी कुमार शास्त्री है, मैं खगड़ा गाँव का रहने वाला हूँ। मेरा छोटा भाई अविनाश कुमार जो मैट्रिक परीक्षा में 500 में से 473 नंबर प्राप्तांक प्राप्त किया है, यह बच्चा बहुत ही बचपन से ही अच्छा था और अनुशासित था और आंगन में सबके प्रिय थे, अपने गुरुजनों के भी अति प्रिय थे और इस बच्चे को इस रैंक तक पहुंचाने के लिए गांव के भी कुछ व्यक्ति का सहयोग है जिसे मैं भूल नहीं सकता हूँ। कोरोना काल की ऐसी परिस्थिति में जहां कोचिंग और स्कूल बंद थे, वहां अभिभावक के तौर पे कुछ व्यक्ति जो भागलपुर पटना में तैयारी करते थे वो घर पे आए थे और उन्होंने इनके ऊपर मेहनत किया और ये बच्चे पे बहुत ही अच्छी सफलता लाई इस बच्चे ने, इसका मेहनत का रंग सार्थक हो गया और हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है
आगे चलकर यह बच्चा जरूर ही एक आईएएस ऑफिसर के रूप में जिले में प्राप्त गया। और नवगछिया में अब बैनर फ्लैग्स हाथों हाथ पाए सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारे अवतार फ्लैग्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। एमएलसी के खिलाफ मुखिया ने पंचायत के विकास योजनाओं को बाधित करने को लेकर डीएम से की शिकायत। मदरौनी पंचायत में विकास योजनाओं के तहत चल रहे सड़क निर्माण को कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी संजीव सिंह द्वारा बाधित करने को लेकर मदरौनी पंचायत के मुखिया अजीत कुमार मुन्ना ने डीएम से शिकायत की। उन्होंने डीएम को लिखित रूप में शिकायत करते हुए बताया कि पिछले पंचवर्षीय में संजीव सिंह के चाचा शैलेंद्र सिंह मुखिया थे। पूर्व मुखिया शैलेंद्र सिंह के हार के बाद स्थानीय एमएलसी पंचायत के विकास कार्यों में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए लगातार बाधा पहुंचा रहे हैं, जिससे कि पंचायत का विभिन्न महत्वाकांक्षी योजना बाधित हो गई है, जिसको लेकर पिछले वर्ष ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर ग्राम सभा के सदस्यों के अलावा सैकड़ों आम जनता ने भी इसकी कड़ी निंदा की थी। इसको लेकर पूर्व में भी सैकड़ों लोगों ने अपने हस्ताक्षर युक्त आवेदन डीएम को दिया था, इसके बावजूद भी स्थानीय एमएलसी विकास कार्य को बाधित करते आ रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि कौशिकीपुर सहोरा मदरौनी एवं सधुआ सहित तीन पंचायतों को जोड़ने वाले पुरानी रेलवे लाइन के समीप बन रहे सड़क निर्माण कार्य बाधित हो गया, जो तीनों पंचायत के हजारों लोगों के आवागमन का एकमात्र जरिया है। इस सड़क के बाधित होने से तीनों पंचायतों के लोगों को घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस बाबत पूछे जाने पर एमएलसी संजीव सिंह ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप बिल्कुल निराधार हैं। मैं पंचायत के कार्यों में किसी प्रकार की रुचि नहीं लेता हूं। अगर रुचि लेता भी हूं तो विकास में रुचि लेता हूं। मदरौनी पंचायत मेरा गृह पंचायत है। मैं अपने पंचायत एवं गाँव के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहता हूं। 1.5 साल पहले गांव के कुछ लोगों ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग करने को लेकर मेरे समक्ष शिकायत की थी, जिसको लेकर मैंने स्थानीय प्रशासन को जांच करने का निर्देश दिया था। स्थानीय प्रशासन द्वारा उक्त कार्यों की जांच की गई होगी, जिसका हमें पता नहीं है। सिंह मुन्ना मुखिया मदरौनी, और आज से 3-4 दिन पहले हमारे पास फोन आया जिला से कि आपके द्वारा क्या जेसीबी चलाया जा रहा है मनरेगा के काम में। हमने कहा नहीं, ऐसी तो कहीं कोई बात नहीं है। और तो मैंने कहा आखिर ये कंप्लेन दिया है किसने आपको? तो ये कंप्लेन एमएलसी साहब के द्वारा दिया गया है, और अब कल से जांच टीम आपके यहाँ आएगी और जांच करेगी। उसमें जांच में ये इनका था एक ब्लेम लगाना हमारे ऊपर कि मदरौनी के मुखिया के द्वारा तालाब का जो निर्माण हो रहा है उस तालाब के निर्माण में जेसीबी का यूज़ किया जा रहा है, जबकि ऐसी कहीं कोई बात नहीं निकल के आई। जब भी जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी आए तो पता चला कि नहीं, ऐसी कहीं कोई बातचीत नहीं है। और उससे पूर्व भी एमएलसी साहब के द्वारा 7/2/2018 को एक कंप्लेन दिया गया था, जो कि वीडियो रंगड़ा को बोला गया था कि यदि आप एक्शन मुखिया के ऊपर नहीं लेंगे तो हम जो है आपके ऊपर आपकी बात जो है हम सीएम नीतीश कुमार जी को बताएंगे, जो कि भागलपुर के दौरे पे 18 तारीख को रहेंगे। और इस तरह का हालात कई बार होता रहा है, और अब तो हमारे पंचायत की भी जांच हो गई, जांच होनी स्टार्ट होनी है। अब ये स्थिति मुझे लगता है कि 2016 से ही, जब से मैं मुखिया यहाँ पे इलेक्ट हुआ हूँ, और तब से ही इस तरह की स्थिति उनके द्वारा बनाई जा रही है। बार बार कंप्लेन किया जा रहा है, झूठा कंप्लेन डीएम साहब को बोल दिया जा रहा है, और सिर्फ इसका एक ही कारण है, ये ऐसा करने का उनका एक ही उद्देश्य है कि इनके चाचा पहले मुखिया थे, जो आज के डेट में इलेक्शन हारे जब 2016 में, तो उनके द्वारा फर्जी तरीके से 27 मई को इनके द्वारा 11 लाख रुपए का निकासी हुआ, जिसके लिए कि हमने कई बार डीएम साहब को लिख के दिया, उसके बाद कई बार हमने एसडीओ साहब को लिख करके दिया, वीडियो रंगड़ा को लिख करके दिया, लेकिन आज तक उस पर जांच नहीं हो पाया है। तो जब इस मुद्दे को हमने उछाला उस मुखिया के अगेंस्ट, तब जाकर के हमारे ऊपर इस तरह से बार बार वो कर रहे हैं।
इस तरह से हमारे पंचायत के कार्य को प्रभावित करने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे तीन तीन योजना का पैसा भी इन्होंने रुकवा दिया हमारे मनरेगा के द्वारा। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे एमएलसी दोबारा इलेक्ट होकर के आए, जो कि समाज के खुद भी उनका गांव मदरौनी है और पूर्व में भी हमारे यहाँ के दो पंचायत के मुखिया हमारे मुनेश्वर प्रसाद सिंह का किक्का पावर सीज करवाए थे डॉक्टर शारदा प्रसाद सिंह, और पंचानंद सिंह जी का पावर सीज करवाए थे डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे प्रतिनिधि हमारे बिहार के अंदर बने। इसलिए बॉल बैडमिंटन खिलाड़ियों ने दाता के मजार पर लगाई हाजिरी। नौगछिया पुलिस जिला बॉल बैडमिंटन संघ के खिलाड़ियों ने दाता के मजार पर हाजिरी लगाई। राज्य प्रवक्ता सह जिला सचिव ज्ञानदेव कुमार द्वारा कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए दाता की चादर पोशी कर समाज में शांति भाईचारा खिलाड़ियों के निरोग जीवन व समृद्धि की दुआ मांगी। वहीं मौके पर मोहम्मद इरफान आलम, असद राही, भागलपुर उड़वाल संघ के सचिव बबलू कुमार मोदी, सन्नी पोद्दार के अलावा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अंकित कुमार, राष्ट्रीय खिलाड़ी अमन कुमार, अमित कुमार, सूरज कुमार, घनश्याम कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। भाजपा जिलाध्यक्ष ने जहांगीरपुर बैसी गांव में चल रहे कटाव का लिया जायजा। प्रखंड रंगरा के कोसी तटीय जहांगीरपुर बैसी में चल रहे भीषण कटाव का जायजा सोमवार को भाजपा के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार ने लिया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कटाव की स्थिति बेहद खौफनाक है। विगत एक माह में करीब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कोसी नदी ने कहीं 50 तो कहीं 1 समिति का कटान किया। ऐसी स्थिति में अगर कटाव को नहीं रोका गया तो जहांगीरपुर वैसी गांव की एक बड़ी आबादी बेघर हो जाएगी। जिलाध्यक्ष ने मौके से ही कार्यपालक अभियंता को फोन से जल्द कटाव निरोधी कार्य शुरू करवाने की बात कही। जिलाध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। नवगछिया टोल प्लाजा कर्मियों की गुंडागर्दी, ऑटो और चार पहिया वाहन के चालक से की मारपीट। नवगछिया के मदहतपुर स्थित टोल प्लाजा में देर रात करीब 10 बजे ऑटो चालक और चार पहिया वाहन के चालक के साथ टोल प्लाजा कर्मियों द्वारा जमकर मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया। इस बाबत एक वीडियो वायरल है। दोनों वाहन नवगछिया की ओर से भीपुर की ओर जा रहे थे, तभी टोल प्लाजा के पास कर्मियों ने दोनों चालकों को गाड़ी से बाहर निकालकर जमकर धुनाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। जानकारी मिली कि वाहन चालकों और टोल के कर्मियों के बीच पैसे लेन देन को लेकर विवाद होने की बात सामने आ रही है। नवगछिया के थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि मामले की जानकारी ली जा रही है, अगर लिखित आवेदन आता है तो कार्रवाई की जाएगी। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। लगातार तीसरी बार मेहताब खान बने रंगरा के बेस्ट SHO। नवगछिया के मासिक अपराध गोष्ठी में किए गए ओवरऑल अपराध समीक्षा में रंगरा के थाना अध्यक्ष मेहताब खान को बेस्ट थाना अध्यक्ष का पुरस्कार दिया गया। मालूम हो कि लगातार 3 बार से रंगरा के थाना अध्यक्ष मेहताब खान को ही बेस्ट थाना अध्यक्ष का पुरस्कार मिल रहा है। नवगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि गिरफ्तारी, कांडों का त्वरित निष्पादन, विधि व्यवस्था संधारण, मास्क और वाहन चेकिंग अभियान, गश्त अभियान में रंगरा थाना का नवगछिया पुलिस जिले में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। आए दिन उम्मीद की जा रही है कि नवगछिया पुलिस जिले के अन्य थाना अध्यक्ष भी अच्छा काम करेंगे। रंगरा के थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने लगातार तीसरी बार बेस्ट थाना अध्यक्ष का पुरस्कार मिलने के बाद कहा कि वरीय पदाधिकारियों के दिशा निर्देश के साथ साथ उनकी पूरी टीम का सहयोग उन्हें मिल रहा है, इस कारण वे अच्छा काम कर पा रहे हैं। आगे और अच्छा करने के लिए वो खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीहपुर के झंडापुर से 2 लीटर देसी शराब के साथ महिला गिरफ्तार, दूसरी तरफ शराब पीते 3 लोगों को भी दबोचा। सोमवार को झंडापुर के चौरहट ढाला के समीप NH31 किनारे एक झोपड़ी नुमा घर से गुप्त सूचना पर छापेमारी कर देसी शराब बनाने के उपकरण व 2 लीटर
देसी शराब के साथ एक महिला को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है, तो दूसरी तरफ मौके पर ही शराब पी रहे तीन लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झंडापुर ओपी प्रभारी हरिशंकर कश्यप ने बताया कि गिरफ्तार महिला हीरामणि देवी एवं शराब के नशे में हिरदीचक औलियाबाद निवासी मनोज राम, औलियाबाद निवासी मंटू सिंह और झंडापुर के निरंजन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने देसी शराब बनाने के उपकरण में दो एल्युमिनियम का बर्तन भी बरामद किया है। मामले में झंडापुर ओपी थाने में मामला दर्ज कर ली गई है, तो दूसरी तरफ गिरफ्तार किए गए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया में अब बैनर फ्लैग्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैग्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। वानी विवाह भवन 0 mile NS 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।